तो वेलकम बैक गाइस, इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं गणेश जी की ड्राइंग और ये हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। और जिसने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर से देख लेना। तो इस ड्राइंग में हम सबसे पहले गणेश जी के कपड़े बनाते हैं। तो यहाँ बहुत डार्क था तो डायरेक्टली हमने डार्क से करके जहाँ लाइट था वहाँ छोड़ दिया था, फिर बाद में हमने इसको ब्लेंड कर दिया। तो यार इसके बाद हम बनाना स्टार्ट करते हैं ज्वेलरी। यार तो ज्वेलरी इसमें बहुत ज़्यादा ही थी, तो सबसे पहले हम ज्वेलरी ही कवर करते हैं, साथ साथ में हम जो हैंड वगैरह था वो भी बना देते हैं। तो ज्वेलरी बनाने के लिए हम सबसे पहले जो डार्क चीज़ें थी जहाँ जहाँ उस डायरेक्टली हम उसको डार्क कर देते हैं और फिर उसको ब्लेंड करके जो हम इरेजर्स का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ हाईलाइट वगैरह करने के लिए। और यार मैं यहाँ कोई भी जो है प्रोफेशनल टूल्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं ये डोम्स की पेंसिल यूज़ की है मैंने और सिंपली इरेजर को कट करके जो भी हाईलाइट्स वगैरह दिए हैं। तो यार पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना और जो बताने वाली चीज़ रहेगी मैं ज़रूर से बताऊँगा, प्लीज़ पूरी वीडियो देखना। सब कुछ हो जाने के बाद हम जो फेस को बनाते हैं चारकोल पेंसिल से, तो क्योंकि यार फेस जो आंखें वगैरह थी उनको हमने बहुत अच्छे से बनाना था, क्योंकि फेस जो है पूरे अच्छे से दिखना चाहिए, तो इसके लिए हम चारकोल पेंसिल का यूज़ करते हैं आईब्रो वगैरह बनाने के लिए। और जो हमने यहाँ जो टीका था वो भी चारकोल पेंसिल से ही बनाया, और बाकी फेस वगैरह की शेडिंग हमने जो है पेंसिल से ही की थी। पहले हमने 2B पेंसिल से इसको जो था फर्स्ट लेयर दिया था और बाकी फिर हमने इसमें 4B पेंसिल का यूज़ किया था बस, और लास्ट में हम बैकग्राउंड के लिए जो है चारकोल पेंसिल का यूज़ करते हैं। यार बैकग्राउंड करने के बाद हमारी ड्राइंग जो है कंप्लीट हो जाती है। ये रही ड्राइंग की फाइनल लुक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।